नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया और आज हम एक गंभीर टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और टॉपिक है बौद्धिक संपदा कानून को लेकर के। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो क्या है, उसके वायलेशन पे क्या किस तरह की पनिशमेंट हो सकती है और कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से सर्विसेज इसके अंदर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक खास मेहमान है, एडवोकेट पल्लवी प्रसाद जी, जो कि लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है गुरु गोविंद सिंह टेक्निकल कैंपस में। सबसे पहले तो पल्लवी जी, स्वागत आपका JTN न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार। और पहला सवाल तो यही है कि ये जो कानून है बौद्धिक संपदा कानून, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ज़रा ये समझा दीजिए कि ये कानून कहता क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो एक बहुत विस्तृत लीगल फ्रेमवर्क है, उसके तहत कई तरह के कानून आते हैं, जैसे आपका इंडियन पेटेंट्स एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क्स का है, ट्रेड सीक्रेट के लिए तो कोई अलग से कानून नहीं है, लेकिन वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के तहत ही वो एनफोर्सेबल रहता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ। फिर जैसे आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स एक्ट है, फिर डिज़ाइन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का जो एक्सटीरियर शेप होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है और उसको भी प्रोटेक्ट करता है कानून, और उसको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरी कंपनी है ये नहीं कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से एक होता है आपका सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000 का, तो वो भी क्योंकि माइक्रोचिप्स जो हैं उनमें इतना डेवलपमेंट होता आया है, और मैंने ऐसा है कि जब आप किसी पेटेंट को फाइल करेंगे, पुराने जो दूसरे एक्ट्स हैं पेटेंट वगैरह जो हैं, अगर उसके तहत आप उसको फाइल करेंगे तो जब तक आपका पेटेंट आपको मिलेगा तब तक हो सकता है कि नया डेवलपमेंट हो गया। जी, मैटर लगता है अपग्रेडेशन का है ये। हाँ, टेक्निकल अपग्रेडेशन का। एक अलग कानून फिर से आया करके, डिज़ाइन एक्ट के अलावा एक वो लेआउट डिज़ाइन एक्ट भी करके आया, तो इस तरह के पूरा बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, वो एक कानून नहीं है और अलग अलग प्रकार के, बिकॉज इट बेसिकली केटर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड, ओरिजिनलिटी, जो इनोवेशन है, जो साइंस टेक्नोलॉजी या आर्ट वर्क किसी भी प्रकार के, जो भी ओरिजिनल आइडिया है, जो क्रिएटिविटी डेवलपमेंट है, रिसर्च है, उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि नहीं तो आखिर समाज में लोगों को कैसे वे प्रेरित होंगे रिसर्च करने के लिए, अगर वो रिसर्च करें और फिर कोई भी उसको उठा ले और कोई भी उसको, एक संरक्षण है ये कानून का, संरक्षण है और उसको कवर किया हुआ है। हाँ, उनको उसका रिटर्न मिलता है, लोग कमाते हैं उससे, बहुत अमीर बन जाते हैं जिनका ऐसा, हाँ, जो जैसा रिसर्च है वो अपना पेटेंट को सेल करते हैं, रेंट करते हैं, लाइसेंस कर सकते हैं और उस पर अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, किसी दूसरे बिजनेस को दे सकते हैं, इसी प्रकार से है कि उसका फ़ायदा होता है, जो इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इतना खर्चा लगाते हैं, चाहे वो प्राइवेट बॉडीज़ हों, चाहे सरकार हो, मैंने कोई भी, मैंने जिस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित तो कर, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट और समय जाता है, तो वो बिल्कुल कॉपी करने के लिए नहीं छोड़ दिया जा सकता। तो लीगल कवरेज जरूरी है। हाँ, लीगल कवरेज है, लीगल प्रोटेक्शन है, एक्सक्लूसिविटी है कि वही यूज़ कर सकता है, उसके परमिशन के बिना दूसरा नहीं यूज़ कर पाएगा, तो उसे रिटर्न भी मिलता है, आखिर वो अपना कॉस्ट को भी तो रिकवर करेगा, उस पर अर्न भी कर पाता है। तो वो पल्लवी जी, एक और ये है कि जो जनरल परसेप्शन है सोसाइटी के अंदर प्रोडक्ट रिलेटेड, वो नकलों से सावधान रहिए या जो नकली प्रोडक्ट जो आ जाते हैं, आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा जो वायलेशन है वो प्रोडक्ट के क्षेत्र में है, कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र में है? हाँ, ये बात तो है, एंड स्पेशली जो जिसे कहते हैं आम कंज्यूमेबल गुड्स हैं, वहाँ तो उस क्षेत्र में देखा जाता है कि उतनी कड़ाई से हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं कानून को, तो वो लॉ के एग्जीक्यूशन का तो एक ये है, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट में अब कपड़े ही हैं, तो आपको वो ओरिजिनल ब्रांड के नाम से या उसके लोगों को कॉपी करते हुए कई तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, छोटे मोटे जो कम से कम जो मीडियोगर लेवल तक के जो भी कंज्यूमेबल गुड्स हैं उनमें एग्जीक्यूशन काफ़ी कम है, बिकॉज बहुत से स्टेक होल्डर्स भी हैं। पल्लवी जी, लेबल है। हम लोग बात कर रहे हैं लेबल और ग्राफिक्स को अगर इसमें ये करें, तो आपको लगता है कि कहीं कहीं लेबल का भी इम्यूटेशन होता है और ये गंभीर ऑफेंस है? लॉ कैसे प्रोटेक्ट करता है? बिल्कुल, ये जब शिकायत होती है और ये ध्यान में आता है तो ये तो पनिशेबल है और फाइन लगता है, सब चीज़ मैंने अलग अलग लॉ में अलग अलग नेचर ऑफ ऑफेंस पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का है, जैसे आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का है तो है कि वो 25,000 प्रति ऑफेंस आपको लग सकता है, तो
जब एग्जीक्यूट होगा कानून तब तो ये पनिशेबल है, बिल्कुल पनिशेबल है और होता है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें आईपी एक्ट के तहत, तो वो समझा दीजिए जरा कि वो टर्न्योर क्या है, पेटेंट को लेकर के या फिर प्रोडक्ट को लेकर के, लेबल को लेकर के, ड्यूरेशन कितना है कि कोई पार्टी अगर किसी लेबल को या किसी प्रोडक्ट को अगर पेटेंट कराती है या अगर लेबल रजिस्टर्ड कराती है तो कितने साल तक उसके पास कवरिंग है? जैसा मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं इनका संरक्षण कई प्रकार के कानून करते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का, अलग अलग प्रकार के सर्विस प्रोडक्ट्स का, तो ड्यूरेशन और वो भी सूटेबली अलग है। तो पेटेंट्स जैसे हैं, आप पेटेंट के लिए फाइल करते हैं तो आपको 20 साल तक अधिकार रहता है उस पर। फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का है तो 10 साल तक रहता है। आप देख सकते हैं कि लॉजिकली जिस चीज़ में अपग्रेडेशन ज़्यादा होती है उसका थोड़ा सा कम पीरियड रहता है। कॉपी राइट्स है तो कॉपी राइट जो है आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए है और उसके जो ऑथर हैं या जैसे पेंटिंग है, स्कल्पचर है, जो भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, टेक्निकल ड्राइंग्स हैं, डेटाबेस है वगैरह, तो जो ऑथर है उनकी मृत्यु के उपरांत भी 60 साल तक उनके लीगल इनहेरिटर्स जो हैं उनके पास रहता है, बेनिफिशियरी हो सकते हैं। हाँ, तो ये अलग अलग जिस प्रकार की चीज़ है उस प्रकार का। पलेश जी गंभीर सवाल के हिसाब से, पलेश जी मैं गंभीर सवाल दे रहा हूँ, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनोवेटिव करते हैं और किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं मगर कभी कभी होता है कि उनका मेहनत पे पानी फिर जाता है, कोई और है जो उसको इमीडिएट करता है, चूँकि उसका जो लोगो है, उसका जो बिजनेस है, उसका जो क्रिएशन है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे वो मोटिवेट हों लॉ की तरफ और अपने आप को एक कवरिंग दे? मैं यही कहूँगी कि देखिए, आप अपने अधिकार का सबसे ज़्यादा रक्षा आप खुद ही कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब आप रिसर्च करते हैं, आप इस तरह से यू आर एन इंटेलेक्चुअल पर्सन टू बी क्रिएटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपको अवेयर भी होना चाहिए। ऐसे भी कानून की जानकारी नहीं होना कानून में ये एक्सक्यूज नहीं चलता है। तो नुकसान ये तो एक अलग बात हो गई, वो तो खैर एक अलग नुकसान आप ही का है, बिल्कुल आपका नुकसान है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए और एक्चुअली आज हम वर्कशॉप भी हम लोग ये करते हैं। एक ये चीज़ एक है, अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने प्रोफेशनल्स हम क्रिएट करते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इतने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, हायर स्टडीज़ लेवल पर, लेकिन ये कहीं भी कोर्स में बजाते एक टॉपिक के तौर पर भी जनरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो सम्मिलित नहीं होता है। हाँ, आपको एक किताबों में, कोर्स की किताबों में जल्दी नहीं मिलता है। तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानने के लिए और इसके बारे में सजग रहने के लिए आपको एक लीगल पर्सन होना ही ज़रूरी नहीं है, हर आम आदमी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसका ज़्यादा प्रसार प्रचार करना ज़रूरी है। आप एक एडवाइस दे रही हैं कि ये कोर्सेज के अंदर शामिल नहीं है, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि मतलब ये कौन से स्टैंडर्ड में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? 9th-10th में लिया जा सकता है क्या इसको? हाँ, कि बच्चों को कम से कम पढ़ाया जा सके, क्योंकि आप सिविक्स पढ़ाते हैं, आप ये सब जब पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप पूरा म्यूनिसिपल स्ट्रक्चर, आपका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, अलग अलग लोकल बॉडीज, सारी चीज पढ़ाते, तो उसमें एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी पढ़ाया जाए कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो लोगों को पता रहे। ये बिल्कुल, क्योंकि आखिर देखिए ये देश में शिक्षा का और उच्च शिक्षा का हम लोग, हमारे देशवासी बहुत महत्व समझते हैं और महत्व है भी और इसकी अवेयरनेस है लोगों में और अब और बढ़ गई है क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी, एम्पावरमेंट और बने बहुत तरह की चीज़ें आ गई हैं कि जिससे बने जो पिछड़े हुए भी वर्ग के हैं उनको भी कैसे आगे लाना है, तो इस चीज़ के बारे में लोग बहुत सजग हैं। तो जब हम इसलिए सजग हैं कि हम इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट कर रहे हैं समाज में, तो वे जो प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको वो कैसे उसकी रक्षा करेंगे, ये भी एक आम जानकारी का विषय है, होना चाहिए और बताया जाना चाहिए। पल्लवी जी, मुझे वाइंड अप करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, वो ये है कि जब कभी भी इस तरह के केसेस होते हैं आमतौर पर लोग शिकायत कम करते हैं और जब कभी भी इस तरह की शिकायत होती है तो ये जो लीगल पेंडिंग है ये बड़ा लंबा चला जाता है, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं लोगों को हतोत्साहित किया जाता है? जो सिस्टम जिस ढंग का बना हुआ है, त्वरित न्याय नहीं मिल पाता है इस फील्ड में, कभी लोग पीछे हट जाते हैं, तो समाज के अंदर बदलाव किस ढंग का होना चाहिए कि मतलब कम से कम जो लेबल लिमिटेशन का जो मामला है समाज के अंदर वो कम हो जाए, नकल जो नकली सामान है, नकली प्रोडक्ट है, वो कम से कम बाजार से बाहर चले जाएँ? देखिए, सबसे पहले तो यही बात है कि आपको जानकारी ज़्यादा बढ़ानी होगी आम जनता के बीच में, इसका प्रचार प्रसार करना होगा उनके अधिकारों के बारे में। दूसरी बात है, देखिए आप लोग कंज्यूमर राइट्स के बारे में हम लोग हमेशा से बात करते हैं, हाँ,
मुझे याद है 80s के टाइम पे तो कोई सीरियल भी आया करता था, जो उन दिनों क्योंकि तब तो प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, दूरदर्शन ही होता था, तो बहुत पॉपुलर था रजनी या कुछ ऐसे नाम का सीरियल, तो हम लोग बच्चे थे उस टाइम पर, कंज्यूमर राइट्स के ही बारे में थे, तो उस समय से सरकार उस चीज़ का ही कर रही। तो इसका दो फैसेट है, एक तो है जो इंटेलेक्चुअल है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्डर है उसके तरफ से, और दूसरा एक कंज्यूमर के तरफ से भी एक आस्पेक्ट है कि वो सोच रहा है कि वो कोई चीज़ खरीद रहा है जबकि वो नकली चीज़ खरीद रहा है, नकली चीज़ खरीद रहा है, तो वो लूटा भी जा रहा है, ठगा भी जा रहा है, तो ये दोनों आस्पेक्ट है। तो ये तो चीज़ ऐसी है कि जानकारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, हम जितना ज़्यादा इसको चर्चा का विषय बनाएंगे, जितना ज़्यादा हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे लोगों में और छात्रों में या जो युवाओं हैं उनमें, जितना ज़्यादा इसका हम चर्चा करेंगे, और आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, ये है वो है, इंटरनेट है, सब चीज़ गूगल पर एक आप क्लिक कीजिए, IPR आप डालिए, IPR डालिए, आपको निकल करके आ जाएगा। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और जो युवा हैं वो उसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो ये बात, इन बातों पे चर्चा होती रहनी चाहिए। जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया। ये थी एडवोकेट पल्लवी प्रसाद, बता रही थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के कि किस तरह के राइट्स हैं, और कानून की बारीकियाँ समझा रही थी। अगले बार एक और मुद्दा, एक और मेहमान, तब तक के लिए नमस्कार।